हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आज मैं कुछ बात करूँगा। पिछले 2 दिन पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, बहुत सरप्राइज़ हुआ न्यूज़ पढ़ के। आपको भी मैं बताता हूँ वो न्यूज़ क्या है, शायद आपने पढ़ी होगी। बात है जलंधर की। जलंधर में बात है सरकारी नौकरी की। बेसिकली सरकारी नौकरी की बात हो रही है। 19 पोस्ट ऑफ पीएंस, और उसके लिए अप्लाई किसने किया है? 9500 एप्लीकेंट्स। और इन एप्लीकेंट्स में हैं इंजीनियर्स, टेकीज, कॉमर्स पीपल, एमबीए और द पोस्ट ऑफ पीएन। क्या हो रहा है इंडिया? ये व्हाट इज दिस? क्यों आप निकम्मे बनते जा रहे हैं? दिस इज़ अ मोटिवेशनल वीडियो, तो आपको मैं इसमें एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जो मैं सब में देख के बड़ा मुझे अलग अजीब सा लगा कि सभी जनता जो है सरकारी नौकरी के पीछे लगी हुई है। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी वो मिलती नहीं है आपको ऐसे आज के टाइम में। जान पहचान, पैसा, दो चीज़ें चाहिए, उसके बिना नहीं मिलेगी। सीवी डजंट मैटर एट ऑल। तो ऐसे केस में, ऐसे सिनेरियो में जनता, यू कैन सी कि क्या हाल हो गया है। 19 नौकरी ऑफ पीएंस एंड 9500 एप्लीकेंट्स विच इंक्लूड्स पोस्ट ग्रेजुएट, ये वो। तो डिप्रेस मत होइए, मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी लोग मतलब डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, आपको कैसे, उनके लिए मैं लाया हूँ आज अपनी सीरीज़ का सेकंड, जो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो आज हम बात करेंगे बिज़नेस की। एक मैं आपको ऐसा बिज़नेस मॉडल आज के वीडियो में दिखाऊंगा जिसको देख के आप ज़रूर इंस्पायर होंगे कि ऑनलाइन बिज़नेस यू कैन डू। और उसमें ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। निचली निचली ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, वो आप करें। बिसाइड दैट यू हैव टू फुलफिल सम फॉर्मेलिटीज़। GST नंबर आजकल लेना, पहले काफ़ी कुछ था, थोड़ा ईजी हो गया है। पहले आपको वैट, CST एंड ऑल दैट ब्लडी स्टफ़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा, तीन तीन चार चार चीज़ें चाहिए होती थी। अब सिर्फ आपको GST नंबर चाहिए, वो भी लेना बहुत ईजी है। ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है, उसमें आपको जाके अप्लाई करना, अपने क्रेडेंशियल, अपने सब कुछ बताना है। और GST नंबर जैसे ही आपको मिल जाएगा, यू रेडी टू सेल ऑनलाइन। आप रेडी हो जाते हैं ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। तो वो आज आपको मैं एक बिज़नेस मॉडल दिखाता हूँ जो कि ट्रस्टेड और है, एक ट्रस्टेड मॉडल और एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश मॉडल है जिसपे, उस बंदे का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, ही इज़ अर्निंग इन लैक्स इन ए मंथ बाय सेलिंग दैट प्रोडक्ट। क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग में प्रोडक्ट की रिसर्च एंड प्रोडक्ट की चॉइस बहुत मायने रखती है, उसमें आपको थोड़ा चॉइस करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बिज़नेस मॉडल में, जिसमें उसने इनिशियली 10 हज़ार रुपये में स्टार्ट किया था, और 10 का उसको 100% मार्जिन यानी प्रॉफिट हुआ। उसके बाद वो उसने उसकी सेल्स, आई मीन उसका ऑर्डर लेना, या उसका इतना अच्छा वो प्रोडक्ट उसका बिका जिससे वो आज की डेट में वही प्रोडक्ट नहीं, उसके अलावा उसने काफ़ी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं उसी कैटेगरी के, उसी तरह से मैचिंग और उसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए कि ही इज़ अर्निंग लैक्स इन ए मंथ फ्रॉम दिस ऑनलाइन बिजनेस। तो चलिए लेट्स गो। अगर आपको ये जानना है कौन सा है बिज़नेस मॉडल कि जिससे आप भी इंस्पायर हों यह करने के लिए, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं अ न्यू बिजनेस मॉडल विच विल इंस्पायर यू टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। सरकारी नौकरी के पीछे मत बैठे रहिए। ये है वो बिजनेस मॉडल, ये है वो प्रोडक्ट। दिस इज द वॉच जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्टार्स 1, 2, 3, 4, 5, 5.5 स्टार्स की इसकी रेटिंग है। इसका मतलब ये काफ़ी प्रोडक्ट बिक रहा है। और ये प्रोडक्ट कितने का है? 459 रुपीज़, 459, 460 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। अब यही से प्रोडक्ट को अगर आप सपोज इसी को बिज़नेस मॉडल, यही बिज़नेस मॉडल मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये इसमें कितना प्रॉफिट है इस चीज़ में, और जिस तरह से इसकी रेटिंग है, ये रोज़ कम से कम बंदा 400 से 500 की सेल कर रहा है, मतलब 400-500 पीस उसका बिक रहा है, तभी इसकी रेटिंग इतनी हाई आई है। तो यही प्रोडक्ट का आपने सोर्सिंग कहाँ से करनी है? सोर्सिंग आप कर सकते हैं Alibaba.com से, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन या ऑनलाइन पोर्टल्स पर हैं वो Alibaba.com से किया जाता है, क्योंकि ये होलसेल प्राइस है। और ये देखिए, द सेम प्रोडक्ट विच यू वर सीइंग देयर इन द अमेज़ॉन, वही प्रोडक्ट है यहाँ पर, अलग अलग कलर्स में। जैसे उन्होंने ये अमेज़ॉन की साइट और ये अलीबाबा, और इसका यहाँ आप देखिए प्राइस, जूम करता हूँ, 0.9 to 1.8 डॉलर पर पीस। ज़्यादा ऑर्डर देंगे क्योंकि अगर आपकी कमाई ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा प्राइस आपको मिलेगा। तो इसमें करना क्या होता है आपको,
तो इस बंदे ने क्या किया है, इसने 0.9 का मेरे ख्याल से इसने ऑर्डर लिया होगा, क्योंकि आप इनिशियली अगर आप इसको स्टार्ट करें, ये मिसले मॉडल मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसमें। ये आ गया हमारा कैलकुलेटर, ये देखिए। अब ये 0.9 डॉलर का सपोज आपको रेट मिलता है, 0.9, वो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप सपोज कीजिए 65 रुपीज़ का है, तो ये एक एक का पीस कितने का बड़ा आपको, एक पीस 58 रुपीज़ का, राइट। अब 58 रुपीज़ में अगर आप 100 का मिनिमम आपको मंगाना पड़ेगा तभी इतना थोड़ा अच्छा रेट मिलेगा, तो इनटू 100 करते हैं, आपने 100 पीस ऑर्डर किए तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट आ गई 5850। सपोज इस पे 1000 रुपीज़ का शिपिंग चार्ज, तो आपकी कॉस्ट बन गई 6850 रुपीज़। अब आपने कितने इन्वेस्ट किए, सिर्फ 6850 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए आपने, 6850 रुपीज़। इससे आपका ऑर्डर हो गया, शिपिंग के चार्ज आपने दे दिए। अब जब प्रोडक्ट आपके पास आएगा तो 6850 हम एक जगह पर आपको लिख लेते हैं ताकि आप भूलें मत, ये नया डॉक्यूमेंट आ गया, ये आपका इनिशियल अमाउंट है। अब जब आपने इंडिया में, अब इसकी आपने लगानी है कॉस्टिंग, 6850 में आपको 100 पीसेज मिल चुके हैं। अब इसके अंदर आपको, अगर आप इसका प्राइस आपको डिसाइड करना है, प्राइस में आपको वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा, GST 18% जो अब हो चुका है, 18% GST हो गया, और इसके अलावा आपको जो अमेज़ॉन के चार्जेस हैं इसको बेचने के, वो भी अराउंड एक वॉच के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 20 या 30 रुपये होंगे, ये एग्जैक्ट नहीं है बट इतना कितना वो ले लेता है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट की, अब इसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, 6850 से आपके कितने आपने पीस लिए थे, 6850 इसको डिवाइड करते हैं 100 से, तो आपको पर पर पीस कितने का ये पड़ रहा है, अभी अभी आपको पड़ रहा है 68 रुपीज़ का। आप 68 रुपीज़ में आप ऐड कर दीजिए GST 18%, यानी एक वॉच के ऊपर आपको अराउंड 12 रुपये 33 पैसे, तो 13 रुपीज़ का आपको टैक्स है, 20 रुपीज़ अमेज़ॉन ने रख लिए, तो टोटल करते हैं पर पीस कॉस्ट 68.5 प्लस 13 एज टैक्स एंड प्लस 20 अमेज़ॉन फीस, तो 101 रुपये की, तो 101 रुपीज़ की ये आपको पड़ रही है इनिशियल कॉस्ट, जो आपको बाइंग कॉस्ट है इसकी। अब इसका आप अगर 200 रुपये भी इसका अगर रेट करते हैं कॉम्पिटिटिव रखने के लिए, तो सीधा आपको 100% मार्जिन मिलेगा। अब मैं आप दिखाता हूँ इस बंदे की, इस बंदे ने प्राइस रखा हुआ है 400 रुपये, 450 रुपये, 460 रुपीज़, तो यू कैन वेल इमेजिन कि ये एक वॉच पे कितने रुपए कमा रहा है। तो हमारे मॉडल पर भी अगर आप 6850 की आपने इनकम लगाई है, और अगर इसको आप 200 रुपीज़ का भी बेचते हैं, तो सीधा सीधा आप इसमें प्रॉफिट, आपको दिखाता हूँ, 200 × 200, ये देखिए, दिस इज द अमाउंट यू विल गेट, यू हैव इन्वेस्टेड 6850 एंड यू आर गेटिंग 20,000 रुपीज़। सी, और अगर आप ये, आपको इनिशियल रेट कम्पिटिटिव रखना पड़ेगा, अगर आप न्यू सेलर हैं, अब जैसे ही ये इस्टेब्लिश हो चुका है, ये 400 रुपये तक भी दे रहा है, तो इमेजन ये कितना कमा रहा है, ये 450 रुपीज़ की एक वॉच बेच रहा है, तो इसका इसका देखते हैं अमाउंट, ये कितना कमा रहा है, 450 × 200, 45,000, दैट इज़ अ वूफिंग अमाउंट मैन, 6850 रुपये लगाए इस बंदे ने, और ये 45,000 रुपये उसके बना रहा है, तो यू कैन वेल इमेजिन दिस इज़ वन ऑफ द, तो ये था बिजनेस मॉडल, आपको अज्ञात कराने के लिए, आपको नॉलेज डालने के लिए कि कितना मनी है, जस्ट आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सर्च करना है, तब आपका काम बन सकता है। तो कैसा लगा आपको बिजनेस कंसेप्ट, होप आप इंस्पायर हुए होंगे थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी हुए तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन थ्रू बिजनेस। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट लाइक, और कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड आपको मन में हो तो प्लीज़ हिट लाइक एंड प्लीज़ डू कमेंट, सॉरी। तो देखते रहिए हमारे वीडियोज़, यो।